डॉक्टर सुदीप कुमार यादव हूँ। हमारे पास एक 24 साल का लड़का पॉइजनिंग के साथ आया और इसने 2,4-D एमीन खाया था। बेसिकली ये कृषि में हर्बिसाइड की तरह खरपतवार नाशक की तरह यूज होती है ना, घास के लिए। हाँ, घास के लिए यूज होती है कृषि में। जब यहाँ में रिसीव हुआ तो ये गैस्पिंग कंडीशन में था। हमने तुरंत इसे इंटुबेट किया और उसके बाद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट शुरू किया। 14 दिन की मशक्कत के बाद अभी लड़का ठीक है, हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं एग्जैक्टली ये 2,4-D होता क्या है और किस काम में आता है। इनके पिताजी हैं जो कृषक हैं, ये हमें बताएंगे ये 2,4-D है क्या। बाकी हम लोग अपडेट करेंगे कि 2,4-D के बारे में और क्या कह सकते हैं। जिला पीली हुई 2,4-D है, खरपतवार नाजर है, चौड़ी पत्ती वाली घास बांटती है। तो आपका लड़का कैसे आया यहाँ पे? उसके बाद बेहोशी हालत में था, अब इसमें सही है। तो आया था तो बिल्कुल बेहोश था। तो आप जहाँ पे पहले भर्ती थे उन्होंने क्या बताया, एग्जैक्टली क्या चल रहा है? उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने कि आप जहाँ इससे वहाँ ले जाओ। बहुत हालत गंभीर है, इसलिए उन्होंने आपको बोला होगा कि आप बरेली ले जाओ। दूसरा, जब ये इनको पहले से भी कुछ दिक्कत थी, इसके साथ भी पहले से इनको झटके आते थे, जो बहुत दिन पहले आए उसके बाद कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। जब ये पॉइजन इन्होंने लिया उसके बाद झटके भी आ गए, है ना? तो जब ये हमारे पास रिसीव हुए तो उस समय सीजर एपिसोड भी हुए थे। एक्चुअली जो 2,4-D होता है ये खरपतवार नाशक होता है, चौड़ी पत्ती वाले जो घास होती है इसको मारने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये एग्रीकल्चर पॉइजन है तो जितना भी लोग फार्मिंग करते होंगे सबके घर में आसानी से उपलब्ध होता होगा, तो इसलिए वो किसी वजह से लड़के ने खा लिया। तो उसकी वजह से शरीर में कुछ चेंजेज होते हैं। तो ये हमारे शरीर में 2-3 मुख्य चेंजेज कर सकता है। पहला, ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कर सकता है, यानी कि दिमाग में इसकी वजह से झटके आना जैसे इस लड़के को हुआ, या फिर और नसों का दिक्कत हो सकता है। दूसरा, ये हमारे दिल को अफेक्ट करके अरिदमिया कर सकता है, वेंट्रिकुलर अरिदमिया, जिसमें मरीज की अचानक से मृत्यु हो सकती है। और तीसरा, ये मसल पकड़ सकता है जिसमें सबसे मायोपैथी हो जाती है, मायोसाइटिस हो जाती है, यानी मसल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जैसे इस मरीज को भी हमने सेम के लिए इवेल्युएट किया था। और एक मार्कर होता है जिसको क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज बोलते हैं। क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज इस लड़के में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आया था। जनरली उसकी वैल्यू 50 से 200 होती है, जबकि इनका 3,500 के ऊपर आया था। शुरू के 5 दिनों पर वेंटिलेटर पे रखना पड़ा और लोग इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो आप यहाँ से कैसे संतुष्ट हैं अस्पताल से? बढ़िया, संतुष्ट हैं।